जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल ऐसे न्यूज चैनल में। जैसा कि आज हम आए हुए हैं मध्य प्रदेश के जिले सागर, जो कि सागर से आपको यहाँ एक विशेष भव्य जो नज़ारा दिखाया जा रहा है, आप देख सकते हैं सतगुरु शोभा यात्रा। इसका एक जन आध्यात्मिक जन चेतना रैली का भी नाम दिया गया है। तो आइए हम इन्हीं के अनुयायियों से जानते हैं कि इस रैली का क्या उद्देश्य है। तो नमस्कार सर। नमस्कार भाई साहब। सर जी, ये जो इस तरह से शोभा यात्रा निकाली जा रही है, इसका उद्देश्य क्या है? हमारे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज हैं, जो कबीर साहेब जी के अवतार हैं, वो कबीर साहेब जी के 626वें प्रकट दिवस पर सभी सतगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के कम से कम 12 से 15 आश्रमों में कबीर प्रकट दिवस मनाया जा रहा है, जो कि 2, 3 एवं 4 जून को मनाया जा रहा है। उसी के संबंध में हम सब संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी कबीर साहेब प्रकट दिवस के संबंध में ये सभी जनमानस को प्रचार प्रसार के माध्यम से बताना चाहते हैं। सर कबीर प्रकट दिवस क्यों मनाया जाता है? आज से 626 साल पहले कबीर साहेब, कबीर देव के अवतार स्वयं कबीर साहेब लहर ताला तालाब पर आए थे, और वहाँ से उनने सारे संसार को, सबके मालिक एक जो है कबीर देव हैं, वो कबीर साहेब जल में आते हैं, वो सबके मालिक एक हैं, वो पूर्ण परमात्मा हैं, और वो जब यहाँ प्रकट होते हैं तो अपना सच्चा ज्ञान अनुयायियों को देते हैं, और उस ज्ञान से आम भक्तों को सच्चे ज्ञान से, सभी शास्त्रों में प्रमाणित ज्ञान से अवगत कराते हैं, और वो चारों युगों में प्रकट होते हैं। संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य दहेज मुक्त हो भारत अपना, नशा मुक्त हो भारत अपना। कुछ होर्डिंग्स लेकर, तख्ती लेकर खड़े हुए हैं, गुरु ग्रंथ साहिब में प्रमाण है कबीर साहिब भगवान है, कुरान में प्रमाण है कबीर साहिब भगवान है, और समाज से हर प्रकार के नशे को दूर करना संत रामपाल जी महाराज जी का मुख्य उद्देश्य है, और एक एक झंडे प्यारा सत साहिब लिखा हुआ जो हर श्रद्धालु लिए हुए हैं, आप देख पा रहे हैं। मध्य प्रदेश जिले सागर से कुछ लाइव तस्वीरें आप तक, होर्डिंग्स लगी हुई है, आध्यात्मिक जन चेतना शोभा यात्रा संत रामपाल जी महाराज जी के सन्निधि में जो ये शोभा यात्रा निकाली गई है आज सागर में। सभी जो भी यहाँ के स्थानीय निवासी हैं वो भी ये इनका जन सहलाव, आपसी भाईचारा, और जो यहाँ पे इतने बड़ा जनसमूह आने के बाद भी, इतनी बड़ी रैली होने के बाद भी किसी प्रकार की यहाँ सफाई की भी व्यवस्था अच्छे से की गई है, अनुशासन का ध्यान दिया गया है, उसको देखते हुए यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनको भी खुशी की लहर जागी है। कुछ श्रद्धालु खड़े हुए हैं होर्डिंग्स लेकर, तरह तरह के वाणियाँ लिखी हुई हैं, गीता में प्रमाण है कबीर साहेब भगवान है और जीव हमारी जाति, ये सारा कुछ होर्डिंग्स लेकर खड़े हुए हैं, एक एक झंडे लिए हुए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। कहाँ से आए हैं आप? जी मैं बर्मान से आया हूँ जी, नरसिंहपुर जिला से। सर संत रामपाल जी महाराज किस धर्म को मानते हैं? जी मेरे गुरु जी का मतलब मानव धर्म को मानते हैं, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। सर ये जगह जगह जो शोभा यात्रा निकाली जा रही है, इसका क्या कारण है, क्या उद्देश्य है? जी हमारे गुरुदेव जी मतलब कबीर साहेब जी का प्रकट दिवस है 626वां, उसके उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली जा रही होगी। जैसा कि सर लोगों का मानना है, आप प्रकट दिवस का जो नाम दिए हो, लोगों का मानना है कि कबीर साहेब एक कवि थे, आपने परमेश्वर सिद्ध कर रखा, तो ऐसा कैसे, क्या रीजन है इसका? जी ऐसा ये है कि हमारे मतलब कबीर साहेब जी जो है ना, वो मतलब 600 वर्ष पहले, 626 वर्ष पहले मतलब फूल पे आए थे, उन्होंने किसी माता से कि गए गर्भ से जन्म नहीं लिया मतलब, तो और वो सीधे सह शरीर आए थे, और नूरी शरीर है उनका, सह शरीर चले गए थे वो, वैसे ही फूल मिले थे सर, उसी के उपलक्ष्य में ये संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जितने भी हैं वो कबीर प्रकट दिवस मनाते हैं। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप देख सकते थे मध्य प्रदेश के जिले सागर में जो भक्तों का जो जन सैलाब उमड़ता हुआ और आगे की तरह काफिला बढ़ता हुआ जो आ रहा है, आप देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश के सागर से लाइव तस्वीरें।